फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएससी टेक्निशियन हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये है रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करती है, इसके ऊपर ही मैं आज की वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप देखिए, रेफ्रिजरेशन साइकिल का मेन फोर टॉपिक है, इसके ऊपर ये साइकिल काम करती है। तो पहला नंबर है कंप्रेसर, सेकेंड है कॉन्डेंसर, थर्ड है एक्सपेंशन डिवाइस और फोर्थ है इवापोरेटर। तो कंप्रेसर का काम क्या है, ये कैसे काम करती है, पहले आपको ये चीज समझना होगा। तो कंप्रेसर देखिए, ये जो इवापोरेटर से जो वेपर है वो वेपर सक्शन कर रहा है, और कंप्रेसर का जो पिस्टन है, पिस्टन का वाल्व यहाँ से सक्शन करेगा, और सक्शन और जो पिस्टन है, पिस्टन जब आप होगा तब यहाँ पर हाई प्रेशर से वैक्यूम क्रिएट करता है। तो ये हाई प्रेशर से जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट कंडेंसर की तरफ फेंकेगा। तो कंडेंसर से होते हुए ये पूरा कंडेंसर है। देखिए, मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट किया हूँ रेफ्रिजरेंट को। जब कंडेंसर में गैस आएगा रेफ्रिजरेंट, तो ये कंडेंसर बाहर का जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा हीटअप होगा। तो कंडेंसर का काम है गर्मी को, रेफ्रिजरेंट की गर्मी को एग्जॉस्ट करना, मतलब बाहर छोड़ना। ये कंडेंसर बाहर की टेम्परेचर से ज्यादा हीटअप होती है। तो रेफ्रिजरेंट जब घूम के आती है, तब रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाती है, और अंदर रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे जो कंडेंसर का एंड पॉइंट है, यहाँ पर आपको पूरा लिक्विड कंडेंसर, ये जो गैस है, गैस पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और यहाँ पर जो चीज लगा हुआ है, ये है फिल्टर या डायर, इसको बोला जाता है। तो इसका काम जो है, ये जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर घुस रही है, यहाँ पर जाली रहती है, तो ये फिल्टर रेफ्रिजरेंट के अंदर जो कचरा, जो भी नमी वगैरह रहती है, उसको साफ करने के लिए फिल्टर दिया हुआ रहता है। और इसके अंदर एक चीज रहती है जिसको सिलिका जेल बोला जाता है। सिलिका जेल का काम है जो सिस्टम के अंदर मॉइस्चर है इसको एब्जॉर्ब करना, और फिल्टर के एंड में आपको जो देखिए कैपिलरी है, मतलब एक्सपेंशन वाल्व, ये कैपिलरी के अंदर एक छोटा सा छेद होता है। जब इस छेद से रेफ्रिजरेंट गुजरता है, तब ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, और रेफ्रिजरेंट कैपिलरी के एंड में आपको लो टेम्परेचर मिलेगा। और ये देखिए, ये कूलिंग कॉइल है, मतलब इवापोरेटर। ये इवापोरेटर जब लगा हुआ है, यहाँ पर बाहर की टेम्परेचर से बहुत ही कम टेम्परेचर आपको देखने में मिलेगा। और धीरे धीरे ये देखिए, मैं इसको लाइट ब्लैक से इंडिकेट किया हूँ, मतलब यहाँ पर आइसिंग हो रहा है, और इसके एंड में आपको फिर से वेपर दिखने मिलेगा। ये देखिए, ब्लू इंडिकेट किया हूँ। यहाँ से कंप्रेसर अपने अंदर लो टेम्परेचर वेपर को अंदर ढकेल रहा है। ऐसे ये सिस्टम काम करता है। ये साइकिल को वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल बोला जाता है। ये सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम पूरा आपको डीप फ्रीजर, एयर कंडीशन, बोतल कूलर, आइस कैंडी प्लांट, जितना भी सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर ही काम करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आप जरूर कमेंट करें, और वीडियो को पूरी देखें। आप वीडियो को पूरी नहीं देखते, जब भी वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको नॉलेज बिल्कुल अच्छा आएगा। तो आइए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।